बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट के तहत लिखा है कि स्थापना दिवस पर सभी वरिष्ठ नेताओं को सादर नमन, सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से संगठन को राष्ट्रव्यापी विस्तार प्रदान किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ता विकसित भारत निर्माण का संकल्प लेकर आसन्न आम चुनाव में अभूतपूर्व विजय के पथ पर अग्रसर हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी की नीतियों ने जन जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। मां भारती के सर्वविध उत्कर्ष के लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने कर्तव्यों की आहुति प्रदान करने का आह्वान करता हूं। और मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से 1980 से जो पार्टी अस्तित्व में आई आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और चुनाव भी नज़दीक हैं, तो इन दोनों ही मौकों को देखते हुए पार्टी के कार्यक्रम आज क्या कुछ रहने वाले हैं ताकि जनता के साथ भी जुड़ें और स्थापना दिवस के मौके पर इन कार्यक्रमों को भी मुकम्मल किया जा सके। मोहित, आप, मैं देख पा रही हूँ कि बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, आपके पीछे मैं बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सी होर्डिंग भी देख पा रही हूँ जिसमें वो तमाम चेहरे जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, जिनकी वजह से ये पार्टी आज अस्तित्व में है, उन्हें जगह दी गई है इस होर्डिंग के अंदर। कार्यक्रम क्या खर्च रहने वाले हैं, किस तरह के कार्यक्रम, कौन कौन शिरकत करेंगे? प्रीति, सबसे पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और कार्यक्रम से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 4 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी ने ये प्रतिबंध लगा दिया कि उसका कोई भी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का सदस्य नहीं हो सकता है, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, यानी कि 4 अप्रैल को ये घटना होती है। उसके ठीक 2 दिन बाद जनता पार्टी से ये सारी चीजें अलग हो जाती है, टूट के एक नई पार्टी बनती है और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को ये पार्टी की स्थापना होती है। अब आप देखिए 44 साल हो गए हैं इस पार्टी को और आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चाहे आप देखिए किसी भी सूबे की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर आप इंडिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो कभी एक वो वक्त था जब साल 1984 के समय 2 सांसद हुआ करते थे और आज पार्टी के लगभग 300 से ज्यादा सांसद हैं। तो आप आज देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, ऐसा उनके नेताओं की तरफ से हमेशा दावा किया जाता है। अब आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने आज के अपने तरह तरह के कार्यक्रम कर रखे हैं जिसमें एक सबसे बेस्ट जो चीज है वो मध्य प्रदेश में होने वाली है। मध्य प्रदेश में आज 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिलाई जाएगी। ये दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं या एक आम आदमी भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर हर एक बूथ पर वहां ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ अगर हम जाए तो वहां पर बाइक रैली का आयोजन किया जाना है, इसके अलावा हम राजस्थान चलते हैं तो वहां पर बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है, छोटे छोटे प्रोग्राम वहां पर आज आयोजित किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें की जा रही है। इसके अलावा जब हम जाते हैं राजस्थान तो राजस्थान में आज जो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनका आज माइक्रो लेवल पर हर छोटे छोटे पन्ना प्रमुख आज उनका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मेरी मौजूदगी है और आप देखिए यहां पर पूरी तरीके से ये मंच सज के तैयार हो गया है और इस पूरे हिस्से को जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा हुआ है इस पूरे हिस्से को बंद कर दिया गया है और सुबह लगभग यानी कि अब से 1 घंटे बाद 10:15 बजे के आसपास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और 10:15 बजे यहां पर ध्वजारोहण होगा और उसके ठीक बाद फिर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष और अलग अलग बूथ यहां के एक छोटे से छोटे बूथ पर भी कार्यकर्ता और अध्यक्ष जो जिस मुकाम पर है वो अपने अपने कद के हिसाब से अपने अपनी चीजों के हिसाब से अपने अपने कार्यालय में वो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेगा।
ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गई मुख्यालय की बात। अगर देश भर में भी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, देश भर में भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी, प्रोत्साहित किया जाएगा, चुनाव भी नज़दीक हैं, इन दोनों ही चीज़ों को साथ में सामंजस्य बिठाते हुए पार्टी अपने तमाम क्रियाकलापों को आज शेड्यूल किए हुए, इसके बारे में बताएं कि बड़े दिग्गजों के अलावा जो छोटा छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी का है, बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता है, उसे किस तरीके से शामिल किया जा रहा है आज के कार्यक्रम में? देखिए, चाहे कार्यकर्ता छोटा हो, चाहे बड़ा हो, या फिर किसी भी स्तर का हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से अपने कार्यकर्ता को, हमेशा से अपने नेता को, हमेशा से अपने पन्ना प्रमुख को, हमेशा से अपने बूथ कार्यकर्ता को हमेशा से तरजीह दी है। और आप देखिए, आज के कार्यक्रम, अगर आज हम कार्यक्रम की बात करें तो आज सुबह 11:30 बजे सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली है। उसके ठीक बाद मैं आपको बताऊं कि आज शाम को ही गाजियाबाद में, मतलब जहां आप बैठे हैं वहां आपसे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, नोएडा से गाजियाबाद की डिस्टेंस है, और गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को 6 बजे एक बड़ा रोड शो है। तो ये दो बड़े कार्यक्रम हो गए। उसके अलावा हम आते हैं छोटे कार्यक्रमों पर, जो कि हर स्टेट में, हर स्टेट के हिसाब से कार्यक्रम तय है। कहीं पर पन्ना प्रमुखों की मीटिंग है, कहीं पर बीजेपी की और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाने की बात है, कहीं पर बुकलेट वितरित किए जाएंगे, कहीं पर बाइक रैली निकाली जाएगी, तो कहीं पर अलग अलग तरीके के रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जो तैयारियां हैं वो केंद्रीय कार्यालय में भी शुरू हो गई है, राष्ट्रीय कार्यालय के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शुरू हो गई है। और लगभग 10:15 बजे मैंने आपको यहां का समय बताया, और 10:45 का समय प्रदेश कार्यालय, जो दिल्ली प्रदेश कार्यालय है, वहां का मुकर्रर किया गया है। और आप देखिए, कार्यकर्ता अब यहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कार्यक्रम से जुड़े हुए। फिलहाल तमाम विस्तार से दी गई जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।